मुजाहिद जमशेद आपके साथ व्हाट इज़ क्रिकेट में। आज हम आपको बताएंगे कि इन स्विंग डेवलपमेंट किस तरह करते हैं। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जिसको हम बड़ी मुश्किल कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बड़े टॉप क्लास बॉलर इन स्विंग के बड़े मास्टर होते हैं। यहाँ पे अगर आसिफ की बात करूँ तो मुझे याद है जब भी मेरी उससे बात होती थी तो नई से नई चीज़ें वो इन्वेंट कर रहा होता था और दुनिया में उसने नाम पैदा किया। तो आज डेफिनेटली हम आपको बताएँगे कि हाउ टू बॉल इन स्विंग। इन स्विंग करने के लिए जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका जो एंगल है वो बड़ा मैटर करता है। अगर आप देखें कि नॉर्मली जिस तरह आउट स्विंग है उसी तरह की आपकी ग्रिप होती है कि दो फिंगर वैसे ही और थंब। कई बॉलर्स होते हैं जो वो इसको नकल बना लेते हैं और जो इसकी जो डिग्री है वो 45 एंगल पे हम अगर देखें तो बॉल थोड़ा सा स्क्वेयर लेग की तरफ एंगल कर रहा होता है और जो इसका रिलीजिंग पॉइंट है, रिलीजिंग पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रिलीजिंग पॉइंट और उसकी जो लास्ट फील है वो आपकी ये फिंगर होनी चाहिए। क्योंकि इस फिंगर जब आप इसको फील देंगे तो ये ऑटोमेटिक 45 डिग्री के एंगल से कई दफ़ा कई बॉलर्स ऐसे होते हैं जो लेट्स इन स्विंग करते हैं और ऐसे उस कर्व करते हैं जैसे एक बनाना कर्व करता है। तो ये वक्त के साथ साथ आप इन स्विंग के और भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए कि आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री टूवर्ड्स स्लाइडली सीम जो है आपका टूवर्ड्स स्क्वेयर लेग होना चाहिए और रिलीजिंग पॉइंट जब आप बॉल को डिलीवर करते हैं और उसका जो फॉलो थ्रू है वो अंदर को फिनिश होना चाहिए, आउट स्विंग का जो है वो बाहर को फिनिश होता है। और कई दफ़ा अगर आप देखें कि ग्रेट इन स्विंग बॉलर्स हमेशा जो उनका जो बॉल है वो ऑफ स्टंप पे इस तरह मोबल करता है, कर्व कर रहा होता है और ऑफ स्टंप पे लग के टूवर्ड्स बैट्समैन वो मूव करता है या स्विंग करता है या सीम करता है। तो ये वो चीज़ें जो इनिशियली तौर पे आपको जो बेसिक्स हैं कि हॉट बॉल इन स्विंग आपका बॉल वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री पे होना चाहिए। क्योंकि बॉल जब स्विंग हो रहा होता है हवा में तो उसमें इसका एंगल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। कई बॉलर्स होते हैं जो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, कोई विकेट के बॉल को आप पास करते हैं, लेकिन जो आपकी रिलीजिंग पॉइंट है ये जो आपका ग्रिप है वो बड़ा मैटर करता है। आपने जो इन स्विंग डेवलप करनी है तो उस इन स्विंग में आपका जो रिलीजिंग पॉइंट है जहाँ से आपने बॉल छोड़ना है वो बड़ा मैटर करता है कि आपका जो बॉल है वो स्क्वेयर लेग की तरफ थोड़ा सा एंगल्ड हो और जब आपने बॉल करना है तो लास्ट मोमेंट पे आपकी जो रिस्ट पोजीशन है वो कर्व करे 45 एंगल पे। तो ये थी इन स्विंग के जैसे जैसे आप अपनी स्किल को डेवलप करते हैं तो टाइम बाय टाइम वक्त के साथ साथ आप और भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि अगेंस्ट द विंड और विद द विंड वो इन स्विंग किस तरह डेवलप की जाती है, लेकिन बेसिक अगर आपकी ठीक हो तो आप आगे जाके बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। नो डाउट हमारे पास बॉलर्स भी टॉप क्लास बॉलर भी हैं जिनको हम देख के और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वाइट और रेड बॉल का मकसद ये है कि जब आप बॉल को हिट करें तो आपको उसकी सीम नज़र आनी चाहिए और आपका जो एंगल है एयर में 45 डिग्री होना चाहिए और जो आपकी सीम है स्लाइली स्क्वेयर लेग की तरफ होनी चाहिए। अगर आप रिलीजिंग पॉइंट की बात करें तो जब बॉल आप रिलीज़ करें तो दिस इज़ द पोजीशन कि आपका बॉल इस तरह फिनिश हो कि आपने जब रिलीज़ किया तो फिनिश अंदर हो, जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग अंदर हो, अंदर फिनिश हो और 45 डिग्री में बॉल मूव करे टूवर्ड्स बैट्समैन। तो ये जब तक आप इन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करेंगे तो जो
आगे आने वाली चीज़ें हैं जिसमें विद विंड अगेंस्ट द विंड ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पता चलती रहती हैं, और जब आपके साथ कोचिज काम करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू पिच रीडिंग जिस तरह की पिच होगी उस तरह किस तरह बॉलिंग करनी है वो भी आप वक्त के साथ साथ सीख लेते हैं। तो होप के व्हाट इज़ क्रिकेट इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और इसी तरह आप व्हाट इज़ क्रिकेट को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।